I'm sorry, Dad. सॉरी क्यों मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। और तुम फिक्र ना करो, मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो केस बना रहा है कि मैंने ये बयान किडनैपर्स के प्रेशर में आकर दिया, और किडनैप करने वालों से मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज। क्या मतलब? आप मुजरिम हैं और मैं भी। हमारी वजह से कितने लोगों की जाने गई, सुल्तान, शनाया और उनका होने वाला बेबी। डैड, किडनैपिंग के दौरान मैंने बहुत सोचा और मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि हम मुजरिम हैं और शायद ये डिजर्व करते हैं। असलान भाई ने जो भी किया अपनी बीवी की मोहब्बत में किया। तुम चाहते हो कि मैं फांसी चढ़ जाऊं? नहीं डैड, नहीं, लेकिन हमें अपने किए हुए गुनाहों की सजा तो मिलनी चाहिए। And I'm sorry. मैंने अपना एक बाले जुर्म कर लिया है। सुल्तान जिस गाड़ी से हिट हुआ था मैं चला रहा था। तुमने क्या किया बेटा? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सच के रास्ते पे पहला कदम है मेरा और अब मुझे सजा से कोई डर नहीं है डैड। चले, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अरबाब हारून के इकरारी जुर्म और गवाहों के बयानात के बाद अदालत अरबाब हारून को शनाया अहमद के कत्ल केस में मुलव्विस होने की वजह से उम्र कैद की सजा सुनाती है।